नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Motorola Edge 30 Pro 5G versus Realme GT Neo 3 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Edge 30 Pro 5G में 6.42 इंच जबकि GT Neo 3 5G में 6.43 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Edge 30 Pro 5G में 2.99 इंच जबकि GT Neo 3 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Edge 30 Pro 5G में 0.34 इंच जबकि GT Neo 3 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Edge 30 Pro 5G में 196 ग्राम जबकि GT Neo 3 5G में 188 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो Edge 30 Pro 5G में जबकि GT Neo 3 5G में AMOLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो Edge 30 Pro 5G में 20:9 जबकि GT Neo 3 5G में 20:1:9 मिलता है। बात करें डिस्प्ले साइज की तो दोनों फोन में सेम ही 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Edge 30 Pro 5G में 1080x2400 और GT Neo 3 5G में 1080x2412 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Edge 30 Pro 5G में 87.6% जबकि GT Neo 3 5G में 87.79% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Edge 30 Pro 5G में 393 पिक्सल प्रति इंच जबकि GT Neo 3 5G में 394 पिक्सल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Edge 30 Pro 5G में 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और GT Neo 3 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 3 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 9 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो दोनों फोन में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Edge 30 Pro 5G में Adreno 730 जबकि GT Neo 3 5G में Mali-G 610 MC6 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Edge 30 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 और GT Neo 3 5G में MediaTek Dimensity 8100 मिलता है। बात करें RAM की तो Edge 30 Pro 5G में 8GB की RAM मिलती है जबकि GT Neo 3 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 6GB 12GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Edge 30 Pro 5G में 128GB की स्टोरेज मिलती है जबकि GT Neo 3 5G में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 128GB 256GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V12 देखने को मिलती है। बैटरी Edge 30 Pro 5G में 4800 mAh जबकि GT Neo 3 5G में 5000 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Edge 30 Pro 5G में 2 कलर्स जबकि GT Neo 3 5G में 3 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Edge 30 Pro 5G में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है,
जो कि 8 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 49,999 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें GT Neo 3 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जो कि 6 GB रैम 128 GB स्टोरेज के साथ 38,999 रुपीस, 12 GB रैम 256 GB स्टोरेज के साथ 42,999 रुपीस में मिलते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो मोटोरोला एज 30 प्रो 5G में 8 फायदे और 3 नुकसान देखने को मिलता है। जबकि बात करें रियलमी GT Neo 3 5G की तो उसमें 7 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में दोनों फोन सेम ही है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें सैमसंग गैलेक्सी S21 5G है, दूसरा OnePlus 8T 5G है, तीसरा सैमसंग गैलेक्सी S20 FE है और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Mi 10T 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।